Now students, we will study about the electronic configurations of some metals. अब हम electronic configurations of some metals के बारे में यहाँ पर discuss करते हैं. Here we have some elements and firstly we take the noble gases. और सबसे पहले हमने इसमें noble gases को लिया. जैसे कि नोबल गैसेस के बारे में हम जानते हैं, तो नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नोबल गैसेस जनरली इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज द इनर्ट गैसेस एंड प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. नाउ हेयर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो हमारे नोबल गैसेस में जनरली जो इनकी वैलेंस शेल है और इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है. इफ़ वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ सम नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, इन तीनों नोबल गैस का एग्जांपल अगर हम लें, देन वी हैव हेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज ऑल. हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2, इट इज 2. देन नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10. हेयर एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18. नाउ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पर हमारे पास 4 शेल्स हैं. फर्स्टली के, एल, एम, एन. तो कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसी को हम बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. अब क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हीलियम के केस में के शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है. इट मींस इसका आउटर मोस्ट शेल जो कि के शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा. सो इसीलिए ये नोबल गैस की कैटेगरी में आती है और इसका इसी को हम इनर्ट गैस बोलते हैं. सिमिलरली वी हैव हेयर अगर एटॉमिक नंबर ऑफ द नियॉन इज 10, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे वी हैव 2.8. तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल हमारे पास कंप्लीट है. एंड थर्ड वी हैव आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. 18 के हिसाब से हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8, इट मींस 10 प्लस 8, 18. ये हमारे पास इसमें भी वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड. हमारा यहाँ पर इन तीनों केसेस में जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. सो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, नोबल गैसेस के. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल्स. अब हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. हेयर वी हैव द मेटल्स ऑफ द टाइप. द फर्स्ट इज अ सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम. अगर हम सोडियम के बारे में बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 1. इट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और मेटल्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज दैट दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या कर सकता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं. तो मेटल्स के पास जो इसके आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट करेगा. नेक्स्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम वी हैव एटॉमिक नंबर इज 12. यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, देन वी हैव 2.8, इट मींस 10 एंड देन यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 लिखा, इट इज 2. तो 2, 8, 2. इट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन और कैटायन. कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली वी हैव
इन केस ऑफ अ कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम की बात करें यहां पर भी सेम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 एंड 2। इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और कैल्शियम का कैटायन बना सकता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करेंगे नॉन मेटल से। अगर हम एग्जाम्पल लें इनके लिए, देन वी हैव हेयर द थ्री एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये तीनों ही हमारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करें, देन वी हैव एटॉमिक नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन इज 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन एल शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर हम देखें, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके दे बिकम और एनायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनायन बनाते हैं। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ज़रूरत है। इट मीन्स जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है। नेक्स्ट वी हैव हेयर ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। देन इन के शेल इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द एल शेल इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन।